हेलो दोस्तों, आज फिर एक नया नया सा वीडियो में आप लोग सबका स्वागत है। आज मैं एक महत्वपूर्ण सूचना बताने जा रहा हूँ कि जो मेरा राशन का जो ऐप था उसको अपडेट कर दिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा। एक नया नोटिफिकेशन आया है, जो मेरा राशन का ऐप था जो ब्लू रंग का था वो चेंज करके पीयर कर दिया गया है। उस पर लिखा हुआ है अब प्रधानमंत्री जन वितरण योजना। तो इसे ऐप हम कहाँ मिलेगा, इसलिए हम इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं कि कहाँ से ऐप को इंस्टॉल करना है, कैसे खोलना है, कि इसमें क्या क्या नया अपडेट किया गया है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें एवं दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मैं ज़्यादा समय न लेकर चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करने। तो मैं सबसे पहले पहले प्ले स्टोर पर जाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ से प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे। यहाँ पर सर्च करेंगे मेरा राशन। देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पर देखिए लिख के आया हुआ है मेरा राशन। इस पर हम लोग सर्च करेंगे। इस पर सर्च करने के बाद देखिए इस तरह का आता है। देखिए इस तरह का है मेरा राशन, हमको मैं इंस्टॉल किया है इसलिए यहाँ पर हमारा ओपन लिख रहा है। जो इंस्टॉल जिसको पास नहीं है वहाँ पर इंस्टॉल का आएगा ऑप्शन, इंस्टॉल कर ले जाकर। इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल करने के बाद देखिए यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा। इस तरह का खुल कर आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर इस तरह का आइकन है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस तरह का आता है। इसके बाद फिर देखिए इस तरह का आता है। यहाँ पर लैंग्वेज से आएगा चूज करने के लिए। यहाँ पर लैंग्वेज अपना सेलेक्ट कर ले, हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए हैं। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए फिर आगे यहाँ पर आएगा मेरा राशन। देखिए मेरा राशन, इस पर क्लिक करेंगे, गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। इस पर स्टार्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आ जाएगा। कोई भी सरकारी आदमी है जिसके पास यूजर आईडी है, वह डिपार्टमेंट पर क्लिक करेंगे। और जिसको पास यूजर आईडी सब नहीं है वह बेनिफिशियरी यूजर पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखेगा इंटर मोबाइल नंबर, इंटर कैप्चा। यहाँ पर लॉगिन विथ ओटीपी कीजिएगा, खुलकर आ जाएगा, खुलकर आ जाएगा। खुल कर आने के बाद देखिए इस तरह का आएगा। यहाँ पर आएगा सबसे पहले फैमिली डिटेल्स, राशन इंटीमेंट में ट्रेक, राशन कार्ड, माई सर्विस, इस पे आता है। इसमें एक नया बड़ा अपडेट कर दिया गया है। ये अपडेट कर दिया गया है कि फैमिली का आप नाम जोड़ना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं तो आप इस ऐप से कर सकते हैं। जो फर्स्ट वाला नंबर इस पर है फैमिली डिटेल्स, इससे आप फैमिली के मेंबर को जोड़ भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर सर्विस है, देखिए इस पर क्लिक कीजिएगा ना, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का खुल जाता है। देखिए जिसमें यहाँ पर हो गया होम, हो गया फैमिली डिटेल्स, राशन एलिमेंट, आरसी ट्रांसफ़र, ट्रैक माई राशन। आप देख सकते हैं कि हमारा राशन कार्ड में नाम जुटा कि नहीं जुटा। माई सर्विस,
आप यहाँ से सर्विस देख सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्रिएट MNP, आप MNP जो बनाए हैं आप यहाँ से सुधार भी सकते हैं। हिस्ट्री है, डिक्लेयर है, अबाउट अस हेल्प है, यहाँ पर लैंग्वेज भी है, चेंज कर सकते हैं। आप थीम भी चेंज कर हैं, यहाँ पर से लॉग आउट करके अन के भी खोल सकते हैं। इतना सर्विस इसमें है। और इस देखिए, इस तरह का आप आगे बढ़ने के बाद देखिए, टोटल राशन कार्ड है इतना 20.28 करोड़ है। टोटल आधार से मतलब कि आधार कार्ड से जुटा हुआ 20.24 करोड़ है, जुटा हुआ है। इस तरह आ जाएगा। ये तो आने के बाद देखिए, यहाँ पर है फिल्टर में है यहाँ राशन कार्ड, पेनिस डैशबोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। यहाँ ऑल स्टेट का है, देखिए यहाँ पर ना अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, ऑल स्टेट के सर्विसेज में है। किसी भी अदर स्टेट का, किसी भी स्टेट के हो, इससे आप नाम को जोड़ सकते हैं, हटा भी सकते हैं। इतना ही है। तो आप वीडियो को आप समझ लिए होंगे, तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर एवं सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के साथ शेयर करें। इसमें एक नया प्रोग्राम यह आ रहा है कि इसको जब लॉगिन कर रहे हैं तभी खुल नहीं रहा है, यह भी खुल नहीं रहा है। इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि यह हाल ही इस अपडेट को लॉन्च किया गया है, तो इसका सर्वर जो है से बहुत स्लो चल रहा है, इसलिए इसमें आ रहा है इरोर सर्विस आ रहा है ऑप्शन। कुछ दिन के बाद यह बढ़िया से सर्विस हो जाएगा, ट्राई करते रहिए। 3-4 बार ट्राई करने के बाद ये अपने ऑटोमेटिक खुलकर चालू हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।